हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और अवलोकन विधि हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि हल करना सीखेंगे। तो ये हमारे समीकरण है, इसका मान हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से कोई एक समीकरण ले लेंगे और उसमें से हम y का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक में से ही हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक हमारा क्या दिया है, 2x प्लस के बाई बराबर 4। तो बाई बराबर 4, इस 2x को हम बराबर इस तरफ लाएंगे तो माइनस के जाएंगे, तो माइनस के 2x। तो बाई का मान कितना आ गया, 4 माइनस के 2x। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब दोस्तों, जो हमारा बाई का मान निकल के आया है, इसे हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या दिया है, 5x माइनस के 3y बराबर माइनस के 1। इसमें हम y का मान रखेंगे। तो 5x माइनस के 3y के स्थान पर हम y का मान रख देंगे। तो y का मान दिया है हमारा 4 माइनस के 2x बराबर माइनस के 1। 5x इसमें हम इस माइनस के 3 से इसमें हम गुणा करेंगे। तो पहले हम माइनस के 3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो 4 × 12, तो माइनस के 12 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 × 2 = 6, तो 6x बराबर माइनस के 1। 5x प्लस के हैं, 6x प्लस के हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11x बराबर किस तरफ क्या है, माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 12 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 12। 11x प्लस के 12 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 11। हमें x का मान बताना है, तो x बराबर 11/11। 11 का भाग हम 11 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। तो x का मान कितना आएगा, 1। अब दोस्तों, जो हमारा x का मान निकल के आया है, इसी हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 हमारा दिया है y बराबर 4 माइनस के 2x। तो y बराबर 4 माइनस 2, x का मान हमारा कितना, 1, तो गुणा 1। तो y बराबर 4 माइनस 2 × 2, तो y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो जो हमारा y का मान कितना आ गया, 2, और x का मान हमारा कितना आया है, 1। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः एक्स कॉमा बाई के मान 1, 2 होंगे। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी समीकरण का हम अवलोकन विधि से मान निकालेंगे। तो अब हम अवलोकन विधि हल करना सीखेंगे। तुम्हारा समीकरण दिया है 2x प्लस के y बराबर 4, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 5x माइनस के 3y बराबर माइनस के 1। तो अवलोकन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक का मान ब्लॉक करते हैं, या तो हम x का मान ब्लॉक कर सकते हैं या हम y का मान ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें हम x का मान ब्लॉक करेंगे। x का मान ब्लॉक करने से हमें y का मान मिलेगा, अगर हम y का मान ब्लॉक करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। किसी एक का मान ब्लॉक कर सकते हैं।
तो x का मान ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, x के मानों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, हम समीकरण 1 में कर देंगे जिससे, और 2 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे जिससे x के मान कैसे जाएंगे बराबर। तो पहले हम 5 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 5 तो नहीं 10, एक्स प्लस 5 का गुणा हम 22 से करेंगे तो 5y बराबर, और 5 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 20। अब हम 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 5 से x से, तो 5 दूनी 10x माइनस, अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे 3y से, तो 3 दूनी 6y बराबर। इसके बाद हम 2 का गुणा हम किससे करेंगे 1 से, तो माइनस के 2। अब दोस्तों जो हमारे चिन्ह हैं इनको हम बदलेंगे, यहाँ 10x किसके प्लस के तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 6y किसके माइनस के तो इसको हम प्लस के कर देंगे, यहाँ 2 किसके हैं माइनस के इसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, घटाने पर। तो प्लस के 10x माइनस के 10x कट जाएंगे, प्लस के 6y और माइनस के 5y इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 11y। प्लस के 20 प्लस के 2 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर 22 बट्टे 11, 11 का भाग हम 22 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 बार, y का मान कितना आ गया 2। अब दोस्तों इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दो में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, 2x प्लस के y बराबर 4। तो 2x प्लस y का मान हमारा कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे बराबर 4। 2x बराबर 4 प्लस के 2 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 2, 2x प्लस के 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। हमें x का मान निकालना है तो 2 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर 2 बट्टे 2, 2 से 2 एक बार कटेगा तो x का मान हमारा कितना आएगा 1। तो x y के हमारे मान कितने आए, x का मान हमारा 1 आया है, y का मान हमारा 2 आया है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः x कॉमा बाई के मान, तो x का मान हमारा कितना है 1,2 होंगे। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। तो अगर आप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।